तो हम बात कर रहे हैं डेटा सॉर्टिंग। डेटा सॉर्टिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? दो तीन चीजों के लिए पड़ती है। जैसे मान लीजिए कि एक लिस्ट लगा हुआ है, लिस्ट में मान लीजिए ना आपका रोस्टर लिस्ट या ट्रांसफर लिस्ट लगा हुआ है, या किसी आपके बच्चे के आप ही के स्कूल का कोई एक लिस्ट लगा हुआ है, उसमें आपका अपना नाम देखना है, किसी का नाम देखना है। अगर किसी लिस्ट का अकॉर्डिंग सिक्वेंस में नहीं है, अरेंज नहीं है, तो आपको पूरा लिस्ट तो आपको पूरा लिस्ट देखना होगा जब तक कि आप उस नेम को ढूंढ नहीं देते। लेकिन वो नेम अल्फाबेटिक शॉर्ट होगा, जैसे कि आपका नाम रवि है, तो आप ए से लेके एस तक नहीं देखेंगे, आप सीधे आर वाले को देखेंगे। पूरा लिस्ट देखने की जरूरत नहीं है, आप ढूंढना कहाँ से शुरू करेंगे? आर से ढूंढना शुरू करेंगे। यही नहीं, मान लीजिए मुझे चाहिए कि सबसे ज्यादा क्वांटिटी को जो सेल किया है उसके 5 लोगों का, टॉप 5 लोगों का डेटा चाहिए, तो आपको जस्ट आपको सॉर्टिंग कर देना है। सॉर्ट में जाइए, ए टू जेड ये आपका मिनिमम आ जाता है, और जेड टू ए कीजिएगा तो देखिए आपका शॉर्ट हो गया। यहाँ से 5 लोगों ऊपर से ले लीजिए, या किसी नेम के अकॉर्डिंग शॉर्ट, वैसे नाम के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है तो यहाँ शॉर्ट पे जाइए, ए टू जेड कीजिए, तो नेम के अकॉर्डिंग शॉर्ट हो। देखिए अजीत पहले आ गया, देन देव आया, ये आपका शॉर्ट टेक है। अब किसी एक कॉलम के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है तो कर्सर रखिए और शॉर्ट कट, जिस पे भी करना है उस पे शॉर्ट कट दीजिए, जिस पे कर्सर होगा वो शॉर्ट, उसके अकॉर्डिंग सारा शॉर्ट हो जाएगा। ओके, जैसे ए टू जेड कर दिया या जेड टू एच, जो एक सीक्वेंस में होगा से ऊपर जाएगा। जी हाँ। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सॉर्ट करने से पहले एक दो चीज देखना होता है कि आपका डेटा में कोई पूरी तरह से ब्लैंक रो तो नहीं है। अगर पूरा का पूरा रो ब्लैंक हुआ तो आपका ब्लैंक के ऊपर का जो है ना वही सॉर्ट होगा, नीचे का नहीं जाएगा, क्योंकि ये कंट्रोल ए पे चलता है। कंट्रोल ए जब करते हो सिलेक्ट ऑल, तो रीजन करेंट रीजन को सिलेक्ट करता सब है, एक साथ सब सॉर्ट नहीं हो सकता। और एक साथ शॉर्ट नहीं, शॉर्ट किसी एक के अकॉर्डिंग होगा ना। तो कैसे होगा, मान लीजिए देव को शॉर्ट करोगे, देव अल्फाबेटिक शॉर्ट हुआ, अब तुम इसको कैसे एक्सेस कैसे शॉर्ट करोगे? देव के अंदर में होता है शॉर्ट, जब होता है शॉर्ट, जब होता है आपका एक सीक्वेंस पे होता है। जैसे मान लीजिए कि हमें शॉर्ट करना है तो पहले हमने क्या किया, नेम बाई शॉर्ट कर दीजिए। मान लीजिए नेम बाई शॉर्ट कर लिया तो सारे नेम इकट्ठा आ गए, आ गए। लेकिन नेम का जो सिटी है ना, या कोर्स मान लीजिए, जो कोर्स है ना वो अरेंज नहीं है। मैं चाहता हूं कि इसके एसक्यूएल इकट्ठा आ जाए और एमएस ऑफिस इकट्ठा आ जाए, लेकिन इस पर्टिकुलर नेम का, तो उसके लिए हम यूज करेंगे कस्टम शॉर्ट। कस्टम शॉर्ट, कस्टम शॉर्ट में मैं नेम वाइज है यहां से एक एड लेवल करेंगे, और लेवल के बाद यहां पे हम कोर्स को सिलेक्ट करते हैं और ओके करते हैं। देखिए एमएस ऑफिस आ गया। जब भी शॉर्ट करते हैं तो एक सिंगल रो सिलेक्ट शॉर्ट शॉर्ट होता है, पूरी के पूरे रो लेके जाता है। अगर आप अजीत जो है ये अगर उठ के नीचे जाता है तो सिर्फ ये अजीत नहीं जाएगा, ये पूरा डेटा लेके जाएगा अपने रो का, अपने रो के पूरा डेटा को लेके नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है सर। लेकिन प्रॉब्लम कब होती है, जब डेटा में हमारे पास, जैसे मैंने मंथ ऐड कर दिया, अब मंथ के अकॉर्डिंग हम सॉर्ट करेंगे तो क्या होगा, ये अल्फाबेटिक सॉर्ट होगा। पहले अप्रैल आया, फिर अगस्त आएगा, फिर दिसंबर आएगा, आपके कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग नहीं है ना, अच्छा तो उस समय हम सॉर्ट में जाएंगे और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे मंथ, और मंथ में कस्टम लिस्ट, कस्टम लिस्ट जो कि एक्सेल के ऑप्शन में जाके आपने लिस्ट बनाया था वो लिस्ट है, और यहाँ पे मैंने जैन फैब या जनवरी फरवरी जो भी डेटा उसको सिलेक्ट कर लीजिए, देन ओके, देन ओके। अब देखिए जैन फैब कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग शॉर्ट हुआ है,
अब कुछ लोग कहते हैं कि मुझे जो शॉर्ट करना है कैलेंडर ईयर नहीं, फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है। फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो होता है अप्रैल टू मार्च। तो अब यहाँ जो है लिस्ट तो बाय डिफॉल्ट नहीं है, बट न्यू लिस्ट पे जाइए और यहाँ अप्रैल मई करके ऐड करते जाइए, ऐड करके आप बना सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे बना रखा है, तो लिस्ट पूरा हो जाए यहाँ से ऐड कर दीजिए, इसको सेलेक्ट करके ओके कीजिए, ये अल्फाबेटिक शॉर्ट। अब नाम को हम शॉर्ट करते हैं तो नाम अल्फाबेटिक शॉर्ट होता है, लेकिन मेरे पास लिस्ट है कि पहले मैनेजर आएगा, देन टीम लीडर आएगा, देन एग्जीक्यूटिव आएंगे, देन प्यून आएगा, इस तरह का सीक्वेंस पोजीशन के हिसाब से। तो उस समय भी कस्टम शॉर्ट में मैंने नेम सेलेक्ट कर लिया और यहाँ कस्टम लिस्ट में आपका जो नेम लिस्ट आपने यहाँ का बना रखा है तो उसको सेलेक्ट कर लीजिए, अदरवाइज न्यू लिस्ट पे जाके अपनी लिस्ट खुद से बना लीजिए। देन ओके, देन ओके। तो पूजा आया, मोहन आया, ओके जयवर्धन जी, समझ में आया आपको? यस सर। अब शॉर्ट के बाद हम बात कर रहे हैं और कलर, जैसे हमने कुछ कलर्स यहाँ पे कर दिए, हाईलाइट कर दिया, हम क्रॉस चेक कर रहे थे, हमको कुछ सस्पिशियस लगा, उसको हमने क्या कर दिया, कलर कर दिया, ठीक है। अब ये सारा कलर वाला मुझे कॉपी करके देना है, चाहे आप फिल्टर कर सकते हैं या शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट हमें नंबर से नहीं कलर से करना है। तो यहां यहां पे सॉरी कस्टम शॉर्ट, यहां से हम क्वांटिटी को सेलेक्ट कर लिए, ये यहां पे आपको सेल वैल्यू डिफॉल्ट सेलेक्ट होता है, इसके जगह पे हम सेल कलर या फॉन्ट कलर, फॉन्ट कलर ये वाला कलर होता है और सेल कलर आपका ये होता है। तो हमने सेल कलर को ले लिया और यहां से हमने सेलेक्ट कर लिया अपना कलर ऑन द टॉप या ऑन द बॉटम, ऑन द टॉप या ऑन द बॉटम सेलेक्ट करके शॉर्ट कर लीजिए। माफ कीजिए मैंने स्केप कर दिया, सेल कलर नेम क्वांटिटी है और यहां पे इकट्ठा हो गया सारा। यही नहीं, अगर आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जब आइकन्स लगा देते हैं जिससे पता चलता है कि अब ज्यादा है या बीच का सेल है या लोअर सेल है, उसको भी उसके हिसाब को आइकन के हिसाब से भी शॉर्ट कर सकते हैं, कस्टम कस्टम शॉर्ट। और कस्टम शॉर्ट में हम यहां पे सेलेक्ट करते हैं क्वांटिटी, सेल वैल्यू के जगह पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकन, और इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकन में जाते हैं और टॉप वाला सेलेक्ट करके ऑन द टॉप एंड ऑन द बॉटम कर देते हैं, ये आपका शॉर्ट हो जाता है। जो अपर वाला था ऊपर आ गया, फिर इसके नीचे देखिएगा लोअर है, ठीक है, ऑन द टॉप एंड ऑन द बॉटम, समझ गया सर। अब बात आती है कि शॉर्ट हमने ऊपर से नीचे की तरफ किया है, अगर लेफ्ट से राइट की तरफ है तो जैसे हमने यहां पे मंथ मंथ दे दिया और यहां पे सेल्स दे देते हैं, अब यहां पे हम नंबर दो। अब मुझे इसमें सबसे छोटा वाला छोटा बड़ा इसे ऐसे डिसेंडिंग में करना है, ठीक है। अब यहां पे हम कस्टम शॉर्ट पे क्लिक करते हैं और यहां ऑप्शन दिख रहा है, इस ऑप्शन पे जाते हैं, लेफ्ट टू राइट को सिलेक्ट करें। अब ध्यान रखिएगा, जब भी आप लेफ्ट टू राइट दाएं से बाएं की शॉर्टिंग करें तो आप जो है ना हेडिंग को सिलेक्ट ना करें,
वरना हेडिंग भी शॉर्ट होगा। मैं टू के अकॉर्डिंग स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट सिलेक्ट किया, शॉर्ट। ठीक है सर, तो सॉर्टिंग की कसम खत्म होती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं फिल्टर्स। फिल्टर मतलब कि आपका पूरा डेटा दिख रहा होगा, मुझे इसमें से कोई पर्टिकुलर डेटा देखना। जैसे मान लीजिए मैं पूजा का डेटा देखना चाहता हूँ, तो पूजा का कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है, या तो मैं शॉर्ट कर लूं, बट हर बार शॉर्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारा सिक्वेंस होता है डेटा का ना, जैसे सिक्वेंस है, शॉर्ट करेंगे तो सीरियल बिगड़ जाएगा, तो शॉर्ट नहीं कर सकते। उस केस में हम करते हैं फिल्टर। तो कर्सर रखिए और जाके शॉर्ट के नीचे फिल्टर का ऑप्शन है, इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट एल, ये आपका फिल्टर अप्लाई हो गया। अब मुझे सिर्फ पूजा का चाहिए, जब इस पर क्लिक करेंगे तो इस कॉलर में जितने भी नेम है ना सबका लिस्ट है, वो भी यूनिक, मतलब पूजा आपके डेटा में 10 बार है लेकिन यहाँ एक बार ही दिखाएगा। तो मुझे सिर्फ पूजा का चाहिए, तो सिलेक्ट ऑल को अनचेक करेंगे, क्या करेंगे, सिलेक्ट ऑल को, और फिर हम यहाँ पूजा को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ओके करेंगे, ओके करते अब देखिए सिर्फ पूजा ही दिखेगा, बाकी डेटा नहीं दिखेगा। तो बाकी डेटा डिलीट नहीं हुआ है, बाकी डेटा पीछे गया हुआ। जैसे यहाँ देखिए ना, 2 नंबर रो है, 2 के बाद सिर्फ 14 नंबर, वो हाइड हो गया, छिपा दिया गया। ठीक है, कई सारे फिल्टर्स आप यूज कर, मान लीजिए मुझे मुझे इसमें पूजा का जो है एक्सेल का शीट चाहिए, इस पे क्लिक कीजिए, हम बीआई को अनचेक कर देते हैं, यहाँ से एक्सेल दिखेगा। अब वापस कैसे आएगा, तो यहाँ पे आप कर दीजिए क्लियर फिल्टर फ्रॉम कोर्स या क्लियर फिल्टर फ्रॉम पूजा। नहीं, नॉर्मल कंट्रोल बी। अब यहाँ पे जो है आपका जब क्लिक करते हैं तो इस तरह का, अब इसमें एक से ज्यादा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अजीत, कविता, इस तरह से कुणाल, जो मर्जी चाहिए वो सिलेक्ट करिए, आपका उतना ही डेटा दिखेगा, ओवरऑल डेटा नहीं दिखेगा। अब फिल्टर जो होते हैं 3 तरह के होते हैं, टेक्स्ट फिल्टर मतलब जो अल्फाबेटिक एबीसीडी नाम वगैरह लिखा होता है उसको टेक्स्ट में कहा जाता है टेक्स्ट फिल्टर, दूसरा होता है नंबर फिल्टर, तीसरा होता है डेट फिल्टर। तो हम पहले बात करते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे पूजा सिंह है, ठीक है, अब कहीं पे पूजा है कहीं पे पूजा सिंह है। अब आप जो है यहाँ पूजा को फिल्टर कीजिएगा तो पूजा सिंह नहीं आएगा, तो आप यहाँ पे एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पे पूजा सिंह और पूजा दोनों इस तरह से क्लिक कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं, दोनों दिखेगा, एक एक को दिखेगा। पर होता है क्या कि यहाँ पे 2-3 था इसलिए कर दिए, लेकिन आपके पास बहुत ज्यादा होगा तो दिक्कत हो जाएगी ना। उस केस में यहाँ कंटेन करते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट दैट फिल्टर दिख रहा होगा, इसमें यहाँ पे हम कंटेन करते हैं और यहाँ एट द रेट कर दे, सॉरी यहाँ पे हम कर देंगे पूजा, तो पूजा और पूजा सिंह दोनों कर लेते हैं, ये बड़ी काम की चीज है। अब जैसे हुआ क्या, अब जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे लिस्ट ऑफ ईमेल आईडी है, दिख रहा है आपको, अब इसमें मेरे पास यहाँ पे दिया हुआ है डेटा जो आप देख पा रहे हैं, अब इसमें मुझे जीमेल वाला, देखिए यहाँ जीमेल भी है और इसमें हॉटमेल भी है, इसमें और भी बहुत सारी ईमेल आईडी है, अलग अलग साइट होता है, तो मुझे सिर्फ जीमेल वाला मेल चाहिए, तो मैं इस पे फिल्टर लगाऊंगा और यहाँ यहाँ टेक्स्ट फिल्टर में कंटेन में जाऊंगा और हम सीधे कर देंगे @gmail.com। तो क्या होगा, आपका जस्ट जीमेल वाला डेटा दिखेगा, बाकी डेटा हाइड हो जाएगा। और फिल्टर लगा हुआ है कैसे पता चलेगा, ये कलर ब्लू हो जाएगा रो का ऊपर जो लग रहा है, ऊपर तो देखी लगी तो बहुत छोटा है नहीं दिखेगा, बट यहाँ पे आपको दिख जाएगा कलर ब्लू है, इसका मतलब फिल्टर लगा हुआ। तो टेक्स्ट फिल्टर में और क्या क्या है, आप एक बार ट्राई कीजिएगा टेक्स्ट फिल्टर में, बाकी जो फीचर्स है जैसे कि इक्वल एक पर्टिकुलर नाम डज नॉट इक्वल, मतलब उस नाम के अलावा सारा फिल्टर, मुझे पूजा के अलावा सबको देखना है, बिगेन विद
अब पूजा सिंह है, पूजा कुमार है, पूजा शर्मा है, सिंह पूजा है, और तुम पूजा कंटेन करते हो तो सिंह पूजा भी आ जाएगा। नहीं, पूजा से स्टार्ट होना चाहिए, मतलब बिगेन, मतलब बिगिनिंग, स्टार्टिंग पूजा से होना चाहिए, एंड जिससे खत्म, लास्ट खत्म हो, कंटेन डज नॉट कंटेन। उस तरह से नंबर में भी होता है, नंबर में आपके पास यहाँ पे होता है इक्वल डज नॉट इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, बिटवीन। अगर से टॉप फाइव हमने सॉर्ट किया था, हम यहाँ पे टॉप फाइव फिल्टर भी कर सकते हैं। टॉप टेन पे जाएंगे, टॉप टेन के चेक जगह पे हम टॉप फाइव करके ओके कर देंगे, तब टॉप फाइव आएगा। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से फिल्टर ले सकते हैं। अब हम एवरेज, जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप ये पढ़े थे ना, ये सारी चीजें यहाँ आता है। ठीक है जबरदन जी? यस सर। अब बात करते हैं डेट फिल्टर की। देखिए डेट फिल्टर जो होता है उसमें थोड़ा सा ज्यादा होता है फीचर्स। मैं यहाँ पे डेट ऐड कर देता हूं। अब डेट फिल्टर में हमने इसको सिलेक्ट किया, और एक तो नॉर्मल आपका ईयर वाइज और मंथ वाइज एक ग्रुप हो जाता है। ठीक है, जैसे मुझे जनवरी का नहीं, अब मार्च का डेटा चाहिए, तो मार्च पे क्लिक करके ओके करूंगा तो पूरा मार्च का है। सिंपल डेट का फिल्टर लगोगे तो यही आता है, ऐसा ही आता है। मुझे अगर मान लीजिए कि आप मई का कोई पर्टिकुलर डेट का चाहिए, तो पहले सिलेक्ट ऑल करके सारा चेक हटा लूंगा, उसके बाद मई पे जाऊंगा, और मई के जिस डेट को आपको फिल्टर करना है उस डेट को आप सिलेक्ट कीजिए, एक या एक से ज्यादा, एंड ओके कर दीजिए, आपका वही पर्टिकुलर डेट यहाँ पे शो होगा। उसके अलावा यहाँ पे फिल्टर बाय कलर है, जैसे कि इक्वल पर्टिकुलर डेट बिफोर, जैसे मैं चाहता हूं कि 10 मई से पहले वाला सारा डेट आ जाए, तो बिफोर में गया और यहाँ कैलेंडर दिख रहा होगा, अब कैलेंडर पे जाइए और अपना डेट सेलेक्ट करके ओके कर दो। 1 जनवरी से लेके आपका 9 मई तक का डेटा आ जाए, 10 मई नहीं है। ओके, ऐसी आफ्टर किसी डेट का बाद, बिटवीन दो डेट की बीच की, तो यहाँ पे मैनुअल डेट डाल सकते हो, बाकी डेट आपके सिस्टम से लेता है। जैसे टुमारो, कल डेट क्या है, 19 तारीख है, क्लिक करते कल का डेट सिलेक्ट हो जाए। टुडे, आज का डेट। स्टरडे, कल बीत गया, सो नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंडे टू फ्राइडे, दिस वीक, ये इस मंडे टू फ्राइडे, दिस मंथ, पूरा मई महीना ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। से दिस क्वार्टर जनवरी टू, अभी क्वार्टर सेकंड से क्वार्टर चल रहा है ना सर, सेकंड क्वार्टर सेलेक्ट हो जाएगा, मई जून जुलाई अप्रैल मई जून, और नेक्स्ट ईयर दिस ईयर लास्ट ईयर टू डेट, आज तक का पूरा डेट लेगा 1 जनवरी से, ये पिछले साल का डेटा नहीं लेगा, 2022 एक तारीख से लेके आज तक का डेट। अगर डेट 2-3 साल का है तो क्वार्टर वन सेलेक्ट करेंगे तो दोनों साल का क्वार्टर वन आ जाएगा, अगर जनवरी दोनों साल का सिलेक्ट करेंगे दोनों साल का आ जाएगा। तो फिल्टर जस्ट क्या है कि आप डेटा को छाट सकते हैं, क्योंकि जब जैसे मान लो ना कि आपको अपना रिजल्ट देखना है, ठीक है, रिजल्ट पूरा मान लीजिए कि पूरा एक स्टेट का, मैं बिहार में रहता हूं तो पूरा बिहार का रिजल्ट आ गया। अब उसे बिहार में अगर यूनिक आईडी है तो उससे आप सर्च कर लोगे, अब यूनिक आईडी नहीं है, रोल नंबर याद नहीं है, तो क्या करोगे तुम, पहले स्टेट को सिलेक्ट करोगे, फिर उसके डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करोगे, तो स्टेट को सिलेक्ट करोगे तो सिर्फ स्टेट का डेटा आएगा, बाकी स्टेट का नहीं आएगा, फिर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करोगे तो उस डिस्ट्रिक्ट का डेटा आएगा, बाकी डिस्ट्रिक्ट का डेटा नहीं आएगा, फिर अपना ब्लॉक सिलेक्ट करोगे, फिर अपना पंचायत सिलेक्ट करोगे, फिर अपना गाँव सेलेक्ट करोगे, तो डेटा आपका छोटा हो जाएगा ना जी। जब जैसे लाख था तो लाख में आपका हो जाएगा कुछ सौ, तो कुछ सौ में तो ढूंढ सकते हो ना, लाख तो इतना मुश्किल है। तो ये आपका फिल्टर था। तो जयवर्धन जी, फिल्टर के ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, कल हम बात करेंगे एडवांस सॉर्टिंग मेथड, और कल जो है हम अपना होम मेनुवार को फिनिश करेंगे, ठीक है? okay. Okay.
तो कल बैठ के आराम से प्रैक्टिस कर ले, बाकी बात कर लेंगे, ठीक है? ओके ओके, बाय, गुड नाइट।